गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉप ब्रीडिंग के बारे में। क्रॉप ब्रीडिंग में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट। इसमें हम जो क्रॉप की ब्रीडिंग कराते हैं उसमें हम डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी हमने तैयार किया है इसके द्वारा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक ऐसे ही चार्ट दिया गया है जिसमें क्रॉप के बारे में दिया गया है और उसकी वैरायटी के बारे में दिया गया है एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज, वह किस डिजीज से रेजिस्टेंस शो करता है इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन करके हम देखते जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्रॉप है वीट। वीट की एक वैरायटी है हिमगिरी। हिमगिरी जो वैरायटी है इसको डेवलप किया गया है अगेंस्ट द लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट एंड हिल बंट डिजीज, इन दोनों डिजीज के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट है ब्रेसिका। ब्रेसिका की एक वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, इसको करन राई के नाम से भी जाना जाता है। ये वाइट रस्ट डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। इसमें दो वैरायटी हैं, एक है पूसा सुब्रा और दूसरा है पूसा स्नोबॉल K1। ये ब्लैक रॉट एंड कोमल, ये बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट है आपका चिली। इसकी वैरायटी का नाम है पूसा सदाबहार। ये चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये कुछ क्रॉप की वैरायटी हैं जिसको हमने डेवलप किया है जो सर्टेन डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। दूसरा चार्ट आप देखिएगा, इसमें दिया हुआ है प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट और पेस्ट। ठीक है, इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी है हमारे पास, तो इसमें भी ऐसे ही दिया गया है क्रॉप है उसकी वैरायटी है एंड इंसेक्ट या पेस्ट किस इंसेक्ट या पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। इसमें है आपके पास ब्रेसिका, इसकी वैरायटी है पूसा गौरव या इसी को रैपसीड मस्टर्ड भी बोलते हैं। ये एफिड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट है फ्लैट बीन यानी सेम जिसको आप बोलते हैं, इसकी वैरायटी जो है वो है पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3। ये जेसिड्स एफिड्स एंड फ्रूट बोरर इन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट है ओकरा। ओकरा दैट मीन्स भिंडी। इसकी वैरायटी है पूसा सवानी एंड पूसा A4। ये सूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है या रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये कुछ क्रॉप की वैरायटीज थी जिसमें हमने डिजीज रेजिस्टेंट पढ़ा और इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास सेलेक्शन। एक्चुअली जब हम हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम किस तरह के प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें देखिएगा दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट मेथड फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। एक्चुअली हमारे पास पुराना मेथड भी है जिसके द्वारा जो है हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपके यहाँ फसल उगाई जाती है उससे जो सीड कलेक्ट कर किया जाता है उसमें से जो सुपीरियर क्वालिटी के सीड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, छांट कर अलग कर लेते हैं कि नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट ईयर जो है हम इसकी फिर से बुआई करेंगे, ये सीड अच्छे हैं। तो अच्छे होने का मतलब क्या है, आपने गुड क्वालिटी के सीड का सिलेक्शन कर लिया है फॉर द नेक्स्ट सोइंग। This is practiced in crop improvement and it is selection of
फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट फ्रॉम अ मिक्स्ड पॉपुलेशन। तो इसमें हम मिक्स्ड पॉपुलेशन से क्या करते हैं, सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्शन एक्ट्स ऑन जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन एंड प्रोड्यूसेस अ न्यू पॉपुलेशन विथ इम्प्रूव्ड कैरेक्टर। सेलेक्शन जो होता है एक तरीके से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है, क्योंकि हम लगातार जो है सुपीरियर क्वालिटी का ही सिलेक्शन कर रहे हैं, बाकी को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद जो होगा उसके कैरेक्टर जो होंगे उस नई पॉपुलेशन के, वो इम्प्रूव कर जाएंगे। सिलेक्शन के लिए तीन तरीका है आपके पास, सिलेक्शन इज ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट इज प्योर लाइन सिलेक्शन देखिएगा, सेकेंड है मास सिलेक्शन, एंड थर्ड है क्लोनल सिलेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा इवेल्युएशन एंड रिलीज ऑफ वैरायटीज। देखिएगा इसमें अ न्यूली डेवलप्ड प्योर लाइन दैट इज इंप्रूव्ड पॉपुलेशन और हाइब्रिड अंडरगो क्रिटिकल इवेल्युएशन फॉर द यील्ड क्वालिटी डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट एंड फॉर द अदर ट्रेड्स। इन इंडिया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, अंडरलाइन कर लीजिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, ये भी न्यू दिल्ली में आपका सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली। कैरीज आउट द इवेल्युएशन, वहीं पे इवेल्युएशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी हाइब्रिड या नई वैरायटी डेवलप किया है आपने, तो इसको आपको ICAR ले जाना पड़ेगा, वहां पे इसकी कई क्वालिटी में टेस्ट होंगे इसके, कि ये इंसेक्ट या डिजीज रेजिस्टेंट है कि नहीं, इसकी यील्ड या प्रोडक्टिविटी कितनी है, क्वालिटी क्या होगी, और भी कई सारे लक्षण, दैट मीन्स ट्रेट की स्टडी की जाती है, तब फर्दर इसको कमर्शलाइज किया जाता है, तभी मार्केट में आप इसको रिलीज कर सकते हैं। अल्टीमेटली अ न्यू प्योर लाइन that is a population or hybrid that is superior to the existing varieties as well as to other new material may be released as a new variety। तो वहाँ पे जब इसकी स्टडी की जाती है, अगर ये पाया जाता है कि जो हमारे पास इसके पहले जो वैरायटी थी उससे ये सुपीरियर है, ये ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है इसकी, या फिर इसमें कुछ बेनिफिशियल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, तब इसको एज अ न्यू वैरायटी हम क्या करते हैं, मार्केट में रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। बेसिकली आप लोग पढ़ चुके होंगे प्लांट टिश्यू कल्चर बॉटनी में, आइए एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन सच प्लांट वेयर ऑल अदर कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग आर फेल्स। ठीक है, तो इसमें ये प्लांट टिश्यू कल्चर जो है एक तरीके का लेटेस्ट मेथड है, जिसमें हम दूसरे जो कन्वेंशनल मेथड हैं ब्रीडिंग के, अगर वो फेल हो जाते हैं तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर को अपनाते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक इज बेस्ड ऑन द टोटी पोटेंट नेचर ऑफ द प्लांट सेल। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, टोटी पोटेंट सेल को हम लेते हैं। टोटी पोटेंट सेल क्या होता है, टोटी पोटेंट सेल्स आर द अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स दैट कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेल। टोटीपोटेंट सेल जैसे आपके बॉडी में या एनिमल बॉडी में जो हैं स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो बॉडी के किसी भी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं, क्योंकि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं। ऐसे ही प्लांट्स में टोटीपोटेंट सेल होती हैं, जिनसे किसी भी तरह के प्लांट सेल का फॉर्मेशन किया। प्लांट टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गेन्स इन स्टरलाइज्ड कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल एसेप्टिक कंडीशन, दैट मीन्स इन विट्रो आउटसाइड। मतलब हम एसेप्टिक कंडीशन में जो है इसको
इसको हम ग्रो कराते हैं या प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में हम रख करके उस प्लांट टिश्यू को क्या करते हैं, उसका कल्चर कराते हैं। सुचिता यू आर लेट इन द क्लास। आप लोग क्लास जो है टाइम से ज्वाइन किया करिए। अब देखिएगा एक्स प्लांट क्या होता है। प्लांट पार्ट दैट इज एक्साइज्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड यूज्ड फॉर इनिशिएटिंग अ कल्चर, उसी को हम एक्स प्लांट कहते हैं, जो किसी भी प्लांट के पार्ट से लिया गया हो। आप लोगों के यहाँ नेटवर्क इशू हो सकता है सुचिता एंड सौम्या, बाकी लोगों की रिपोर्टिंग नहीं आ रही है, यानी वीडियो सही चल रहा है, यहाँ भी सही चल रहा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। एक बार आप लोग अपना नेटवर्क रिस्टार्ट कर लीजिए। इट मे बी रूट टिप, सूट बर्ड, एंथर, एम्ब्रियो, ओव्यूल एटसेट्रा नॉर्मली अनडिटरमाइंड सेल ऑफ द प्लांट्स आर यूज एज एक्स प्लांट। हम अनडिटरमाइंड सेल्स का यूज करते हैं, ये जिसमें आप रूट टिप ले सकते हैं, सूट बर्ड ले सकते हैं, एंथर ले सकते हैं, एम्ब्रियो ले सकते हैं, ओव्यूल ले सकते हैं एटसेट्रा। सरफेस स्टरलाइजेशन देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्स प्लांट विथ अ स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल केमिकल लाइक द सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, ब्रोमीन वाटर, एथेनॉल एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सभी का आप यूज कर सकते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए। जो भी आप एक्स प्लांट चूज करते हैं उसमें ये स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स होते हैं जिन जो माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देते हैं और उस प्लांट को डिजीज से बचाए रखते हैं। द वेसल्स मीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो स्टरलाइज्ड बाय ट्रीटेड देम विद द स्टीम। तो इसके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका भी प्रॉपर स्टरलाइजेशन होना चाहिए, या ड्राई हीट और एल्कोहल के द्वारा उसका प्रॉपर स्टरलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, कल्चर मीडियम और न्यूट्रिएंट मीडियम, मीडियम विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, जिसमें आप एक्स प्लांट को ग्रो कराते हैं या कल्चर कराते हैं उसके लिए कल्चर मीडियम में जो न्यूट्रिएंट होता है उसमें देखिएगा, मीडियम विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एक्स प्लांट एंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एक्स प्लांट। स्टैंडर्ड कल्चर मीडियम कंटेन्स द इनऑर्गेनिक साल्ट। जो कल्चर मीडियम होता है उसमें आप कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिंस, सुक्रोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन, एंड ग्रोथ रेगुलेटर लाइक द 2,4-D, साइटोकाइनिन, BAP दैट इज बेंजिल एमिनोप्यूरिन। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन द एक्स प्लांट। फिर उसमें हम ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज करते हैं जो उस एक्स प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, इट अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बिटवीन द डिफरेंट लाइन्स एंड स्पीसीज दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर्मली बाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, ऐसी डिफरेंट स्पीसीज या लाइन्स
का क्रॉस कराते हैं, सॉरी लाइंस या डिफरेंट स्पीसीज का को हम लेते हैं जिसको हम नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल राइस एंड कैरेट। नेक्स्ट इज पोमैटो, इज द सोमैटिक हाइब्रिड बिटवीन द पोटैटो एंड टोमैटो। हमने क्या किया, हम रिसर्च कर रहे हैं कि यूजुअली देखिएगा क्या होता है आपके प्लांट के साथ, कि यूजुअली जो टमाटर का पेड़ होता है आपका, वो उसमें जो फल लगता है आपका या फ्रूट्स जो लगते हैं आपके, वो सूट वाले हिस्से में लगते हैं, जबकि पोटैटो जो होता है आपका वो ग्राउंड में अंडर द ग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। अनुष्का वर्मा, ऑर्गेनोजेनेसिस कहने का मतलब है ऑर्गेन का फॉर्मेशन, जो भी प्लांट होगा उसके ऑर्गेन, रूट, शूट, लीप एट्सेट्रा, ठीक है, उसका फॉर्मेशन जो होगा, क्योंकि हम एक्स प्लांट तो किसी एक प्लांट के पार्ट को ले रहे हैं ना, हम एंथर ले सकते हैं, अव्यू ले सकते हैं, रूट टिप ले सकते हैं, सूट बर्ड ले सकते हैं एट्सेट्रा, उसी से हम पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए, हमने सोमैटिक हाइब्रिड तैयार करने के लिए हमने क्या रिसर्च किया, कि अगर हमारे पास एक ही पेड़ हो जिसमें नीचे की तरफ जो हो आपका पोटैटो हो और ऊपर आपको टोमेटो मिले एक ही प्लांट से, तो एक ही साथ आप दो फसल तैयार कर लेंगे। तो इसी को हमने नाम दिया है पोमैटो, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। ऐसे ही ये ब्रोमैटो, ब्रिंजल एंड टोमेटो, अगर हम एक ही प्लांट पे उगा सकें। यूज ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड देखिएगा, फॉर द जीन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एलो पॉलीप्लॉयड। स्पेशल पॉइंट देखिएगा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड वर ऑब्टेन्ड बिटवीन द टू स्पीसीज ऑफ टोबैको, दैट इज निकोटियाना ग्लूका एंड निकोटियाना लैंग्सडॉर्फिट बाई कार्लसन एट ऑल। तो सबसे पहला सोमैटिक हाइब्रिड जो है हमने निकोटियाना ग्लूका और निकोटियाना लैंग्सडॉर्फिट के बीच में हमने इन दोनों के द्वारा जो है सोमैटिक हाइब्रिड सबसे पहला हमने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, कार्लसन एट ऑल ने, कार्लसन और उनके सहकर्मियों ने। अब देखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें साइब्रिड, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। साइब्रिड कहने का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। तो देखेंगे साइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड क्या होता है। तो देखिएगा, साइब्रिड पोजेसेस अ न्यूक्लियर जीनोम फ्रॉम ओनली वन पेरेंट बट साइटोप्लाज्मिक जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड में क्या होता है, जो दो डिफरेंट स्पीसीज या लाइंस का सिलेक्शन हम करते हैं, उसके दोनों के अलग अलग सेल्स लिए जाते हैं, इन दोनों सेल्स का फ्यूजन कर दिया जाता है, इससे एक कंबाइंड सेल होता है, लेकिन दोनों का साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस किसी एक का ही रहता है। तो यही कहा जा रहा है, न्यूक्लियर जीनोम फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, एक पेरेंट का न्यूक्लियर जीनोम होगा। जबकि साइटोप्लाज्मिक जीन्स, कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक जीन दोनों पेरेंट्स के होंगे इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ साइब्रिड इज नोन एज द साइब्रिडाइजेशन और साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, ठीक है। तो ये जो है साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड तैयार करने का जो तरीका होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज या लाइंस को हम लेते हैं, इनके सेल्स को आपस में फ्यूज करा दिया जाता है, यानी इनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दिया जाता है, जिसमें किसी एक पेरेंट का न्यूक्लियस होता है और दोनों पेरेंट्स के साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, तो इसी वजह से इसको हम साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइब्रिड में आपके पास दो मेथड है। पहला देखिएगा,
बाय द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन पेरेंट टू ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ अनदर प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, या अनदर पेरेंट। देखिएगा इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो जो सेल्स ली जाती हैं, इसमें एक पेरेंट में जो होता है न्यूक्लियस विथ इट्स साइटोप्लाज्म होता है और दूसरे में सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। एक आपका न्यूक्लिएटेड होता है और दूसरा जो होता है ये ई न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लिएटेड एंड ई न्यूक्लिएटेड दोनों सेल्स का फ्यूजन करा देते हैं तो इससे हमको साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड मिलता है जिसमें एक ही पेरेंट का न्यूक्लियस होता है लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों पेरेंट्स के होते हैं। दूसरा क्या है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वन न्यूक्लियस फ्रॉम द हेट्रोकैरियन। हेट्रो कहने का मतलब है दो या डिफरेंट, कैरियन दैट मीन्स न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, जो दोनों सेल्स हम लेते हैं उन दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, जब इन दोनों को फ्यूज कराते हैं तो इससे जो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड सेल बनता है, इस हाइब्रिड सेल में दोनों न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक न्यूक्लियस को क्या करते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डीजनरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से साइब्रिड हम तैयार करते हैं। यूज ऑफ साइब्रिड देखिएगा, इन प्लांट सेल्स सम जेनेटिक फैक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में कुछ जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ड्यूरिंग साइब्रिडाइजेशन दीज फैक्टर्स फ्यूज्ड टुगेदर एंड परफॉर्म द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से दोनों पेरेंट्स के साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर जो होते हैं वो एक साथ फ्यूज कर जाते हैं और अगली जनरेशन में इनहेरिट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक तरीके का एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम निकोटियाना टोबैकम टू निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस। जीन ऑफ मेल स्टरलिटी इज ट्रांसफर्ड इन निकोटियाना ब्रसिका एंड पिट्यूनिया फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे में ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट है आपके पास स्पेशल पॉइंट है फॉर द स्टूडेंट कॉर्नर, आप पढ़ लीजिएगा, नेक्रोसिस क्या होता है, स्टनिंग क्या होता है, मोजाइक क्या होता है, विल्टिंग क्या होती है, गैल क्या होता है, कैंकर, ब्लाइट एट्सेट्रा। देखिएगा नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में जो आपके पास इम्पॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। तो इकोनॉमिक बॉटनी में देखिएगा, द प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ आर फूड, क्लोथ, शेल्टर विच आर सप्लाइड बाय द नेचर, पर्टिकुलरली प्लांट, बाय द नेचर पर्टिकुलरली प्लांट। प्लांट्स यील्ड ड्रग्स, वुड्स, फाइबर, ऑयल, लेटेक्स, स्पाइसेस। मैस्टिकेटरीज, बेवरेजेज, गम्स, टैनिंस, डाई एट्सेट्रा एंड सच प्लांट्स में भी क्लासिफाइड एज फॉलो। इनको फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें आप सीरियल्स देखिएगा, अनाज आपके पास जो हैं ये एक फैमिली है ग्रैमिनी। दीज आर द मेंबर ऑफ द फैमिली ग्रैमिनी एंड ग्रोन फॉर दियर एडिबल सीड। हम इसको किस लिए उगाते हैं, इसके एडिबल सीड के लिए। बस इसमें इतना ही रहने दीजिएगा। वीट है, वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें पॉइंट अंडरलाइन करिएगा, द इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ वीट ग्रोन इन इंडिया आर। इंडिया में कौन कौन सी गेहूं की वैरायटी हैं जो उनको डेवलप किया जाता है, उसमें है सोनालिका, सरबती सोनारा, लर्मा रोजा, सोनारा 64 एट्सेट्रा। दूसरा है आपके पास मेज या साइंटिफिक नेम जिया मेज, ठीक है। इन इंडिया कॉमन वैरायटी ग्रोन आर द सोना, विजय, जवाहर, अंबर।
एट्सेट्रा, बस इतना ही आपको पढ़ना है। राइस, राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। राइस की हमारे यहाँ जो है 3000 से अधिक वैरायटी जो है उगाई जाती हैं, हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। इसमें इनका मेनली जो यूज होता है, देखिएगा, द राइस ग्रेन्स आर यूज एज अ फूड आफ्टर कुकिंग, इसको पकाने के बाद एज अ फूड यूज करते हैं। स्टेम हस्क एट्सेट्रा, इसका भी यूज किया जाता है जानवरों के फोडर के लिए। आर यूज एज द फोडर एंड ग्रेन्स इज आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक बीवरजेज, कई सारी एल्कोहलिक बीवरजेज बनाने में राइस का उपयोग किया जाता है। सॉर्गम, इसका नाम है सॉर्गम वुलगेर, ठीक है। सॉर्गम इज अ स्टेपल फूड फॉर मिलियन ऑफ पीपल्स इन द एशिया एंड अफ्रीका। द प्लांट आर यूज एज फोडर, इसका उपयोग जो है चारा के तौर पर किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रसेस सिरप एंड आल्सो इन द पेपर इंडस्ट्री। सॉर्गम का यूज जो है ब्रश को बनाने में, सिरप को बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट है बार्ले, ये माल्ट का सोर्स है और माल्ट का यूज जो है मैन्युफैक्चर ऑफ बियर विस्की एंड अल्कोहल में किया जाता है। फिर ऐसे ही है पर मिलेट, या जिसको बाजरा बोलते हैं आप, इसको पढ़ लीजिएगा। पल्सेस हैं आपके पास, पी है पाइसम सटाइवम है, ग्राम यानी चना है, पिजन पी या रेड ग्राम है, अरहर जिसको बोलते हैं कैजैनस कैजन नाम होता है साइंटिफिक नेम इसका, ग्राउंड नट है दैट इज मूंगफली, ब्लैक ग्राम दैट इज उड़द, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम एट्सेट्रा। वेजिटेबल्स है आपके पास पोटैटो दैट इज सोलेरम ट्यूबरोसम, फैमिली सोलोनेसी से बिलोंग करता है। टोमेटो है लाइकोपर्सिकन है एस्कुलेंटम, फैमिली ये भी सोलोनेसी से बिलोंग करता है। ब्रिंजल है सोलेनम मिलंजेना, ये भी फैमिली सोलोनेसी से बिलोंग करता है। ओकरा है दैट इज भिंडी, इसका साइंटिफिक नेम है एबल मोस्कस एस्कुलेंटस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा गया है, ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओनियन, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा, ये लिलियसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखिएगा सुगर केन है, सुगर केन में देखिएगा सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम ऑफिसिनेरम, इट बिलोंग टू द फैमिली ग्रैमिनी एंड इट इज द चीफ सोर्स ऑफ द सुगर इन द इंडिया, ये मुख्य सोर्स है इंडिया में सुगर का। द प्लांट रीचेज हाइट ऑफ 6 to 12 feet एंड डायमीटर ऑफ 1 to 2 inches, 6 to 12 feet लंबाई होती है, 1 to 2 inch की मोटाई होती है इसके स्टेम की। द स्टेम इज सॉलिड विथ मैनी फाइब्रस स्टैंड एंड कंटेन्स द जूस, द स्टेम आर कट क्लोज टू द ग्राउंड एंड आर देन सेंड टू द सुगर मिल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सुगर एंड मोलासेस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द रम एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। तो मोलासेस भी ऑप्टेन होते हैं सुगर इंडस्ट्री से। तो सैक्रम ऑफिसिनेरम है और एक है इसी की स्पीसीज है सैक्रम बारबेरी। सैक्रम ऑफिसिनेरम एंड सैक्रम बारबेरी, ये दो सुगर केन की वैरायटी हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं, सैक्रम ऑफिसिनेरम एंड सैक्रम बारबेरी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन दोनों से आपको सुगर मिलता है और इनसे जो मोलासेस मिलते हैं, जो बाई प्रोडक्ट होता है सुगर मिल का, इसका उपयोग जो है एल्कोहल इंडस्ट्री में किया जाता है। ऐसे ही आपके पास सुगर बीट है या बीटा वुलगैरिस बोलते हैं, इसका उपयोग भी सुगर बनाने में किया जाता है। फिर ऐसे ही आपके पास फाइबर वाले प्लांट हैं, कॉटन है,
गॉसिपियम स्पीसीज है, जूट है, सन हेम्प यानी पेटुआ है जिससे रस्सी बनाई जाती है, फ्लेक्स है, हेम्प है दैट मीन्स कैनबिस सटाइवा भांग, मूज, कोयर, कोकस न्यूसीफेरा बोलते हैं इसको, फिर ऑयल्स के लिए आपके पास प्लांट्स हैं कौन कौन से हैं, देखिएगा ग्राउंड नट ऑयल है, जिंजली और सिसमे ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, लिंसिड यानी तीसी, इसे आप ऑयल ऑब्टेन करते हैं। फिर ऐसे ही आपके पास टिम्बर यानी ऐसी लकड़ियां जिनका आप फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं, तो इंडियन रेडवुड है, सीसम जिसको आप बोलते हैं, डेलबर्जिया सिस्सो नाम होता है इसका, साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा गया है। फिर टीक है, देवदार है, साल है, महोगनी है, तून है एंड मैंगो, फिर बिवर्जेज के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, टी है, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, फिर रबर प्लांट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, फिर मेडिसिनल प्लांट जो है आप पढ़ ही चुके हैं, ओपियम पॉपी या पेपेवर सोमनीफेरम जिसको बोलते हैं, इसे मॉर्फिन ऑप्टेन किया जाता है, कोडीन ऑप्टेन किया जाता है, नियोप्रीन ऑप्टेन किया जाता है, इन सभी का यूज जो है वो पेन रिलीव करने के लिए किया जाता है, दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए। फिर है राउल्फिया सर्पेंटाइना इसका नाम है, सर्पगंधा जिसको आप बोलते हैं। इसे रिजरपाइन ऑप्टेन किया जाता है। इसके अलावा और एल्केलॉयड हैं जैसे सर्पेंटीन है, सर्पेंटिनाइन है एंड रोल्फिन है एट्सेट्रा। रेजरपाइन का यूज किस में किया जाता है, देखिएगा सेवरल पेंटीन ड्रग्स एंड हैज अ डिप्रेसेंट एक्शन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करने में किया जाता है, सेडेटिव के तौर पर यूज किया जाता है, एंड ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ होता है तो उसके केस में रोल्फिया सर्पेंटाइना यानी सर्पगंधा का यूज किया जाता है। देखिए अमन सोनी, जो मोलेसेस हैं ये बाई प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्री के, जब जो आपका प्लांट होता है, गन्ने का प्लांट होता है, जब उसे शुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उस दौरान एक बाई प्रोडक्ट बनता है। जब आप कहीं शुगर मिल वगैरह के आसपास से गुजरते होंगे तो वहाँ से एक बैड स्मेल आती है, वो मोलेसेस की होती है। एक्चुअली उन्हीं मोलेसेस का यूज जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान करके हम उससे एल्कोहल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो बाई प्रोडक्ट होता है। शिवम वर्मा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये मोस्ट प्रायोरिटी पे आप रख करके इसको इतना कम से कम आप पढ़ेंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार ये सारी चीज़ें जो है आप बॉटनी में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वो अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप उसी को सिर्फ पढ़ेंगे, इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, बाकी उसमें और कुछ डिटेल में नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ उनको अंडरलाइन करवा रहा हूँ। तो राउल्फिया सर्पेंटाइना से रेजरपाइन ऑप्टेन किया जाता है, इसका उपयोग जो है ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं हम। सिनकोना है, सिनकोना से आपको क्या मिलता है, क्विनिन मिलता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्विनिन का यूज जो है किस के तौर पर करते हैं, मलेरिया के क्योर में करते हैं,
अंडरलाइन कर लीजिएगा मलेरिया के क्योर में, क्योर फॉर द मलेरिया, बस इतना ही अंडरलाइन करिएगा। क्यूनिन, क्यूनिन का उपयोग किस में करते हैं, मलेरिया के उपचार में करते हैं। फिर बेलेडोना है, एट्रोपा बेलेडोना जिसको बोलते हैं आप, एट्रोपा बेलेडोना दैट इज धतूरा। बेलेडोना इज यूज इन एक्सट्रीमली टू रिलीव पेन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, दर्द को कम करने के लिए यूज किया जाता है इसका, धतूरे का उपयोग। इफेड्रिन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इफेड्रा से ऑप्टेन किया जाता है इफेड्रिन, इफेड्रा से। इफेड्रा क्या है, इफेड्रा इज ए लीफलेस श्रब है, एक झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है, लीफलेस होता है, पत्तियां नहीं पाई जाती हैं इसमें। इसमें पूरे प्लांट का उपयोग किया जाता है इफेड्रिन के एक्सट्रैक्शन में निकालने के लिए। एंड इफेड्रिन का यूज किस में किया जाता है, क्योर फॉर द अस्थमा कोल्ड एंड हे फीवर, मतलब एलर्जिक फीवर जो होता है उसके उपयोग में हम करते हैं इफेड्रिन का उपयोग। एकोटीन आप छोड़ सकते हैं। फिर स्पाइसेस आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्लोव्स है जिसको आप लौंग बोलते हैं, सिनामन है यानी दालचीनी है, रेड पेपर यानी चिली है, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट स्पाइसेस हैं। देखिए इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में जो जो मैंने आज अंडरलाइन किया है उसको प्रायोरिटी पर रख करके आप खुद से उसको पढ़ लेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछ लेंगे, ठीक है। बाकी जो चैप्टर में, इस चैप्टर में जो बाकी पेजेज हैं जिसको मैंने नहीं अंडरलाइन करवाया है उसको भी एक बार आप कम से कम रीड कर लेंगे, उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको प्लीज़ अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर है आपका इवोल्यूशन, तो कल से हम इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और इवोल्यूशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग रिसेंटली जो आपका नीट का पेपर हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे। जितना आपको पढ़ाया जाता है प्लीज़ उतना ही फोकस करके पढ़िए आप लोग, जो आपको प्रॉपर नोट्स दिए गए हैं आप उसी को फोकस करिए। इस साल का जो आपका नीट का पेपर है मैं आपको हर एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपको दिखा दूंगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो आपको नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। तो आप लोग भी पेपर की स्टडी कर लीजिएगा एक बार, नीट 2020 में जो हुआ है आपका।
अच्छा सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही थी। देख लीजिएगा सुचिता, इफेड्रिन एक बार देख लीजिएगा। इफेड्रिन जो होता है ये इफेड्रा से ऑब्टेन किया जाता है। इफेड्रा एक तरह का प्लांट है। इफेड्रा जो है एक लीफलेस प्लांट है, श्रब यानी झाड़ी नुमा प्लांट है। इस पूरे प्लांट का उपयोग हम इस ड्रग्स को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इस इफेड्रिन का यूज किस में किया जाता है? अस्थमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है, कोल्ड के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और हे फीवर के लिए किया जाता है। ओके, तो ये इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है इवोल्यूशन, उसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।